तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं रेफरेंस फॉर्मूला, क्योंकि लुकअप एंड रेफरेंसेस ये हमारी अगली कैटेगरी है। तो लुकअप को हम करेंगे थोड़ी इस बाद में, लेकिन हम बात करेंगे पहले रेफरेंस फॉर्मूले के बारे में। तो रेफरेंस फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला होता है एड्रेस का। एड्रेस फॉर्मूला क्या करता है, वो एड्रेस बना के देता है। जैसे आपके पास मान लीजिए कि रो नंबर और यहां कॉलम नंबर है, रो नंबर वन है और कॉलम नंबर भी आपका वन है, इसका एड्रेस क्या होगा अल्फान्यूमेरिक में। तो हमारा ये एड्रेस फॉर्मूला बनाता है। एड्रेस हमने इसको सेलेक्ट किया रो में एंड कॉलम में इसको सेलेक्ट किया, तो ये आपका सीट ए वन आ गया। अब ए वन आया, लेकिन मुझे ए वन की वैल्यू चाहिए, मतलब कि इसकी वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए इनडायरेक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इनडायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर देता है वैल्यू के अंदर में। तो जो रो नंबर और कॉलम में डालूंगा उसका एड्रेस एड्रेस बनाएगा, और इनडायरेक्ट उस एड्रेस को रेफरेंस में लेके फिर इस पे आपको रिजल्ट देगा। ओके, अब इसे यूज क्या है, तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपके साथ करते हैं। मैं यहां पे कुछ नेम लिखता हूं, दिसंबर तक मैंने कहा, और मैं यहां पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा के रैंडम नंबर ला देता हूं। कंट्रोल आर एंड कंट्रोल डी, और इसको पेस्ट वैल्यू कर देते हैं। तो आपके सामने जो डेटा आपको दिख रहा है, ये आपका डेटा मंथली है। अब मुझे यहां पे क्या चाहिए कि मैं यहां पे नेम सेलेक्ट करूं और यहां पे क्वार्टर का नंबर दूं। जैसे मैंने बोला कि पूजा का क्वार्टर वन का सेल क्या है, तो यहां पे जैन फेब मार्च को सम करके यहां पे रिजल्ट 221 जो भी है आपका यहाँ पे दे देना है। अगर मैं क्वार्टर टू करूँ तो फिर अप्रैल मई जून को सम करें। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कैसे करेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो मैच का फॉर्मूला लगाएंगे। मैच का फॉर्मूला क्या करता है कि किसी भी सेल वैल्यू को रो एंड कॉलम में मैच करता है और बताता है कि उसका रो इंडेक्स नंबर क्या है। इसने बता दिया कि पूजा दूसरे रो इंडेक्स नंबर पे है, मतलब कि ये यहां पर है। अब मुझे मैं ये चाहिए कि मैं अगर क्वार्टर वन करता यहां वन करता हूं तो यहां पे जैन आना चाहिए, अगर टू करता हूं तो यहां पे आना चाहिए अप्रैल, मतलब हर क्वार्टर का फर्स्ट मंथ हमें चाहिए। तो इसके लिए आप इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि इफ दैट इज इक्वल टू वन तो जैन, फिर वापस इफ अगर ये इक्वल टू फाइव नहीं सॉरी इक्वल टू टू तो यहां आना चाहिए अप्रैल, लेकिन ये थोड़ा सा लंबी हो जाएगा ना। तो हमारा यहां पे क्या है कि सीक्वेंस है, मतलब कि मेरा यहां पे जो नाम आप देख रहे हैं 2 3 4 5 वो सीक्वेंस में है, 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में है। तो यहां पे हम यूज करेंगे चूज का फॉर्म। चूज में हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने बोला कि अगर जैन यहाँ पे जैन आता है तो यहाँ पे जैन, फिर मैंने यहाँ पे बोला फेब, फिर यहाँ पे बोला मार्च, माफ कीजिएगा फेब है गलत बोल दिया कि अप्रैल होगा अप्रैल, और यहाँ पे फिर मैंने बोल दिया जुलाई, फिर यहाँ पे बोल दिया अक्टूबर, तो आपका आ गया जैन अप्रैल जुलाई अक्टूबर, जैन अप्रैल जुलाई अक्टूबर, राइट। अब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूं। अब मैं यहां पे वन करूंगा तो जैन आएगा, टू करूंगा तो अप्रैल आएगा, थ्री करूंगा तो जुलाई आएगा, एंड फोर करूंगा तो अक्टूबर आएगा। तो ये चूज क्या हो रहा है कि जैसे कि यहाँ पे नंबर वन है तो पहले वाले को शो कर रहा है, अगर नंबर टू होगा तो दूसरे वाले को शो करेगा, नंबर थ्री होगा तो तीसरे वाले को करेगा, नंबर फोर होगा तो चौथे वाले को शो करेगा।
कंडीशन होता है। अब वापस मैंने यहां पे मैच का फॉर्मूला लगाया और पता किया कि ये जनवरी का कॉलम नंबर कौन सा है, कॉमा जीरो। तो इसने बताया कि जनवरी का, यहां पर मैं टू कर देता हूं तो फाइव। इसने बताया कि पूजा नंबर दो पे है और क्वार्टर टू की स्टार्टिंग नंबर फाइव कॉलम से चल रहा है। और जैसा कि हमने यहां एड्रेस की फॉर्मूला बना के एड्रेस लेके आए थे, ऐसे मैं यहां पे एड्रेस लूंगा और बोलूंगा कि रो नंबर टू एंड कॉलम नंबर, रो नंबर टू एंड कॉलम नंबर फाइव। तो ये हमारा ई टू आ गया। सर अब ये तो मेरा स्टार्टिंग आ गया ना। अब एंडिंग के लिए क्या करेंगे, एंडिंग के लिए लिखेंगे हम एड्रेस, रो नंबर तो ही होगा, कॉलम नंबर में हम फाइव में प्लस वन कर देंगे तो रिटर्न होगा आज एफ टू। मतलब कि मेरा डेटा ई टू से लेके एफ टू में, एफ नहीं हुआ जीरो बचे ना, वन में टू करना था ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम सम लिखते हैं तो सम में तो कुछ इस तरह से होता है ना, लेकिन मेरे पास यहां अलग अलग है। तो अगर इसको क्या करना होगा फिर, तो इसको कॉन्कैटेनेट करना होगा। इसको सेलेक्ट किया और सेमी कॉलन के साथ हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, आ गया क्लियर है। और फिर यहां इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सिलेक्ट करके एंड, इनडायरेक्ट फॉर्मूला में सम को देंगे, सम के अंदर इनडायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, और इसको डायरेक्ट कर फेस क्यों आ रहा है। अच्छा हमने कॉलन लगाना था, सेमी कॉलन लगा दिया। अब आ गया रिजल्ट। अब मैं क्वार्टर नंबर वन करता हूं, टू करता हूं, थ्री करता हूं, फोर करता हूं। और इस तरह से नेम में पूजा के जगह पे मान लीजिए कि हमने ओम को दे दिया, ए ओम का रिटर्न। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमें यहाँ पे दोबारा सुना रहा हूं कि पहले यहाँ पे हमने मैच लगाया जिससे हमें पता चल गया कि भाई हमारा रोल नंबर कौन सा है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कॉलम लगाया, चूज का फॉर्मूला लगाया जिससे मुझे हर हर इसका क्वार्टर का मुझे उसका फर्स्ट मंथ निकल के आ जाए इस फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट यहां दिया गया है। उसके बाद वापस हमने मैच लगाया और बताया कि क्वार्टर किन से कॉलम पे है, तो मुझे ये पता चल गया कि स्टार्टिंग में मेरा ओम का जो डेटा सम करना है, स्टार्टिंग क्वार्टर है, वो सातवें नंबर रो और ग्यारह नंबर कॉलम से। फिर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एड्रेस फॉर्मूला से इसके एड्रेस में, के सेवन से लेके एन सेवन तक, बट उसको एक रेफरेंस फॉर्मेट में चाहिए तो हमने इसको मर्ज कर दिया, ज्वाइन कर दिया के सेवन से एम सेवन। और फिर इनडायरेक्ट ने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया रेफरेंस और फिर सम ने इसको सम कर दिया। अब इसको बेटर समझने के लिए हमें इसको एक सेल के ऊपर लाना जरूरी है। जैसे कि हमने इसको कॉपी किया और यहाँ हमारे पास इसी 17 के जगह पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने इस मैच को लिया और इस मैच को मैंने यहाँ पे जहाँ B18 था वहाँ पेस्ट कर दिया। और फिर जहां पे हमारा C18 है, C18 पे हम C18 का फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद यहां पे B18 C18 है तो C18 का फॉर्मूला C18 पे पेस्ट हो गया और B18 का फॉर्मूला हम B18 पे पेस्ट कर देंगे। एक मिनट कुछ
चेंज हुआ है B18। अच्छा B18 है ना, ये आएगा ना B18 का फॉर्मूला, B18 पे चला गया। फिर वापस हम इसको आते हैं D18 को कॉपी करते हैं और यहाँ जहाँ D18 है वहाँ D18 का फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं और जहाँ पे E18 है वहाँ हम E18 का फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं और फिर इस सारे फॉर्मूलों को उठाते हैं, कॉपी करते हैं और ये रहा F18 में पेस्ट कर देते हैं। ये देखा है सर कैसे मल्टीपल्स फॉर्मूला हम लेके आते हैं, फिर इसको कट करके लाए और इस पर पेस्ट कर दिए और बाकी हमें डिलीट कर देते हैं, ये सब चीजें रखने की जरूरत अब नहीं है। ओके, तो इतना लंबा फॉर्मूला हमने लगाया क्यों, क्योंकि इसके लिए कोई और इसके लिए नॉर्मल कोई फॉर्मूला डिराइव फॉर्मूला नहीं है। लेकिन हाँ एक तरीका है, क्या तरीका है, मुझे इस पर कंट्रोल जेड करना होगा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये जो तरीके जो चीज़ थी इसको हम यहाँ पे कट करके आगे रखते हैं। एक तरीका और है यहाँ पे कि आपका हमारे पास एक ऑफसेट का फॉर्मूला होता है। ऑफसेट का फॉर्मूला दो चीज यूज करता है, एक तो डेटा लुकअप करने के लिए और दूसरा रेफरेंस क्रिएट करने के लिए। तो हमने यहाँ रेफरेंस में हमने मान लीजिए बता यहाँ A1 सेलेक्ट कर लिया और A1 से हमने बोला 7-1, क्योंकि हमेशा जीरो से काउंट शुरू करता है तो इसमें एक कम देना होता है। फिर हमने बोला कॉलन हमने बोला 11-1 और फिर बोलता है इसकी रो की हाइट क्या होगी, 1 होगा और ब्रेथ हमने बोला 3 होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 3 आ गया, 3 डेटा आ गया, 7 ओम यहाँ ओम आ गया, ओम का चौथे वीक में अक्टूबर, तो ये 58-63-59 आ गया। अब इसको हम सम फॉर्मूले में सम कर देते हैं, रिजल्ट आपके सामने 190 आ गया। तो इसने कैसे काम किया मैं एक बार दोबारा समझाता हूं। ये तो आपको पता ही है कि मैथ्स में मैथ्स में इसका नंबर निकाल दिया और इस मैथ्स में कॉलम निकाल दिया, चूज ने मंथ निकाल दिया। ये तीन चीज तो वही थी जो इससे पहले के एग्जांपल में थी। अब इसको हम इतनी तो नहीं हो रहा, हम यहां फॉर्मूला मेनू बार में आते हैं और इसको बताते हैं कि इसने क्या किया। एवलेट फॉर्मूला, एवलेट फॉर्मूला ये देखिए, सिलिब्रेट किया था B18 क्या है 7-1-6 हुआ, C18 11-10 हुआ। तो ऑफसेट ने क्या किया A1 से A1 से काउंट करना शुरू किया 0-1-2-3-4-5-6 यहाँ आ गया। फिर इसने काउंट किया 0-1 से लेके कहाँ तक, तो 10 तक, 0 से लेके 10 तक यहाँ आ गया। अब इसको हमने बोला किसी रो की हाइट, मतलब कि सेम रो में लेना है, एक ही रो लेना है और तीन कॉलम, जिसमें 1-2-3 तीन कॉलम लेके इस तीन कॉलम का रेफरेंस बना दिया K7 से M7, K7 से M7 और रिजल्ट आपके सामने है, सबने से उसको सम कर दिया। तो समझ में आया बाकी सबको, मनीष जी राहुल जी समझ में आया सर? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-3 बार देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा। जी हाँ, चलिए इसके बाद आते हैं और कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले के बारे में। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास आता है रो का फॉर्मूला क्या है कि जिस सेल में आप लगाते हो उस सेल का रो नंबर दे देता है, या फिर जिस आपने फॉर्मूला लगाया और जिस सेल को सिलेक्ट कर लिया और उस सेल का रो नंबर देता है। इसका यूज भी हम लोग करते हैं, जैसे कि हमने सीरियल नंबर यहाँ लिख दिया, तो अगर मैनुअली सीरियल नंबर लिखते हैं तो फिर इसको मान लीजिए कि हमने बीच में डिलीट कर दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 11-12-13 डिलीट कर दिया, तो ये सीक्वेंस जो है मिसमैच हो जाता है, हो जाता है ना सर मिसमैच।
मैं चाहता हूं कि नहीं, अगर डिलीट हो तो सीक्वेंस बराबर है, नीचे से कम हो जाए। तो यहां भी मैं रो का फॉर्मूला लगा दिया। रो का फॉर्मूला क्या है, जिस सेल में लगेगा उसका फॉर्मूला देगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे कोई सेल डिलीट किया तो वापस सीक्वेंस हमारा मेंटेन हो गया ना। बट यहां छोटी सी एक और प्रॉब्लम है कि जैसे सीरियल नंबर मुझे यहां देना है, अगर मैं यहां रो का फॉर्मूला दूंगा तो यहां पे तो आपको दिखेगा 11, बट यहां तो 1 चाहिए ना। तो यहां पे हम रो माइनस, रो का जो फॉर्मूला है उसमें माइनस 1 कर देते हैं, 10 एक का मतलब, तो 10 कर देते हैं यहां पे। तो वहां आ गया, फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। और सेम चीज आपका करता है कौन सा फॉर्मूला, कॉलम का फॉर्मूला, कि कॉलम का फॉर्मूला भी सेम ही वर्क करता है। कॉलम जिस सेल में लगाओगे उस सेल का कॉलम नंबर आता है, या फिर जिस सेल को सिलेक्ट करोगे उस सेल का कॉलम नंबर देता है। और जैसे आपने इसको वर्टिकली किया है ऐसे इसको हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। इसका एक यूज और होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई डेटा है, जैसे कि मान लीजिए नेम, सीरियल नंबर, अमाउंट, समझे। अब मेरा डेटा कुछ इस तरह से आया होगा, अब मुझे इसमें अमाउंट को सम करना है। अब यहाँ पे अमाउंट भी कहीं जगह पे अमाउंट है, किसी जगह पे एमआरपी है, किसी जगह पे क्या बोलते हैं टोटल है, किसी जगह पे जी टोटल है, ऐसे है। लेकिन इसमें हमें पता है कि हर तीसरे पे है, पहला दूसरा तीसरा, तो मुझे इसका टोटल करना है या फिर डेटा अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां हम रो का फॉर्मूला लगाएंगे, रो और इसमें -1 करेंगे ताकि यहां सीक्वेंस 1 से दिखाए, और नीचे ड्रैग कर देंगे तो ये हमारा तीसरा यहां तक नंबर सीक्वेंस आ गया। तो मुझे हर नहीं ऊपर से करना है, माफ कीजिएगा, रो। अब मुझे इसमें क्या करना है कि हर तीसरा नंबर को संकर उठाना है। तो कैसे उठाए, तो हमारे पास एक मोड का फॉर्मूला होता है जो कि शेषफल निकाल के देता है। तो हमने बोला मोड रो नंबर को 3 से डिवाइड करो, तो जो डिवाइड होगा और जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा उसका मोड 0 आएगा, और जो नहीं हो पाएगा तो उसका जो रिमाइंडर होता है रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा। तो हमने नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, यहां पर 6 0 0 0 इस तरह से आ गया। अब यहां पर मैं इसको 0 वाले को फिल्टर कर लूंगा, तो इसे अमाउंट वाला पार्ट ही आएगा। ओके, समझ गए सर। तो इस तरह के भी रो का यूज होता है जो कि आगे चल के हम आपको बताएंगे। अब रो के बाद एक और फॉर्मूला है रोज का, इसका हम एरे में यूज बहुत करते हैं। रोज क्या करता है कि अगर हमने एक एरिया सेलेक्ट कर रखा है, बताता है कि आपने कितना कितना रो को सिलेक्ट कर रखा है। ऐसे यहाँ पे कॉलन होता है कि अगर हमने एक से कॉलन होता है, एक से ज्यादा हमने कॉलन सिलेक्ट किया है तो बताता है कितना कॉलन हमने सिलेक्ट किया है। और इसका यूज भी हम एरे में ही करते हैं। तो रेफरेंसेस में हम बात करते हैं कि हमने चूज कर लिया कॉलम कॉमन हो गया। अब यहाँ पे एक आता है फील्ड वैल्यू, और फिल्टर का फॉर्मूला हम आगे बताएंगे। एक फॉर्मूला टेक्स्ट है, तो इसमें एक और फॉर्मूला है आपके सामने कि फिल्ड वैल्यू।
फील वैल्यू का अलग यूज होता है, ये डेटा पे होता है, ये आप हायर क्लास बताएंगे। हाँ इसमें होता है फॉर्मूला टेक्स्ट। फॉर्मूला टेक्स्ट क्या करता है, इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगा है वो निकाल के दे देता है। और एक होता है आपका हाइपरलिंक, जैसे कि आपने लिख दिया www.google.com या कोई भी पाथ या कोई भी फाइल का पाथ, अब इसमें हाइपरलिंक लग गया ना सर, लेकिन किसी ने यहाँ पे हाइपरलिंक आपको यहाँ डिलीट कर दिया, रिमूव हाइपरलिंक कर दिया, और ऐसे आपके बहुत सारे साइट्स हैं और सबके ऊपर बगल में आपको हाइपरलिंक लगाना ताकि क्लिक कर दो साइट ओपन हो जाए, तो आप यहाँ हाइपरलिंक का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाइपरलिंक और यहाँ पे दे दीजिए कि क्लिक ओपन, ये आपका हाइपरलिंक का फॉर्मूला। अब इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लिक होके ओपन हो जाएगा, है सर। ऐसे फॉर्मूला हमारा एक और आता है ट्रांसपोज का, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है और यहाँ हम होगा और यहाँ पे जैन फाइव मार्च मैंने दे दिया, ये वर्टिकल है। तो याद होगा कि हमने ट्रांसपोज का ऑप्शन किया था, कॉपी करके हम राइट क्लिक करते थे पेस्ट स्पेशल पेस्ट बाय ट्रांसपोज, बट ये लिंक नहीं है, अगर कल के डेट में 70 हो जाएगा तो चेंज नहीं होगा, तो लिंक कैसे होगा, तो उसके लिए आप ट्रांसपोज का फॉर्मूला इस्तेमाल करें और पूरे को सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस करें। अब एरर दिया, एरर इसलिए दिया क्योंकि हमने एक एरिया को सिलेक्ट करके F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्योंकि एरर फॉर्मूला था हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना होगा, अब ये लिंक हो गया। हमने यहाँ पे 71 72 कर दूँ, यहाँ पे 72, यहाँ पे 89 98 और यहाँ पे 45 चेंज हो रहा है, इसका यूज। तो आपका रेफरेंसेस फॉर्मूला था आज की क्लास में, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, कल हम बात करेंगे।